हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सोलो सर्वाइवल सीरीज। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायमंड्स की माइनिंग। एंड यार तुम लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत सारे डायमंड ब्लॉक है, तो आज मुझे फॉर्च्यून 3 मिल रहा है 30 लेवल पे। आयरन की पिक एक्सपेंड फॉर्च्यून 3 से माइन करने वाले, टोटल 42 मेरे पास डायमंड ब्लॉक है यार। तो समझ सकते हो मुकेश अंबानी बनने वाले हम भी, है ना। हाँ तो यार देखो, सबसे पहले माइनिंग करने वाले हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, आज बहुत सारी एनचेंटिंग होने वाली है, क्योंकि यार मेरे पास लेवल भर भर के है। मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग की, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ एक्सपी के लिए किया, बहुत सारी ट्रेडिंग की मैंने एंड बहुत कुछ किया। एंड मोस्ट प्रोबली 3-4 एपिसोड के अंदर अपन एक एक्सपी फार्म भी बनाएंगे यार। एंड देख लो, तुम लोग आयरन की पिक एक्सपी मिल रहा है मुझे फॉर्च्यून 3, तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यार डायमंड पे मैंने 2 बार ट्राई किया नहीं मिला, तो अब इस पर ही करना पड़ेगा। एंड गाइस, आज का अपने पास फॉर्च्यून 3 42 डायमंड ब्लॉक अपने पास पड़े हुए हैं, तो बस तुम लोग देखते जाओ क्या ही अमीरी छाने वाली अपने ऊपर अभी। हाँ तो देख लो, 42 ब्लॉक है। वो मैं माइनिंग पे एक और बार गया था इसलिए है, बाकी वरना 20 के यू थे मेरे पे। बट मैं माइनिंग पे गया था अभी एक और बार माइनशाफ्ट ढूंढने के लिए, बट मुझे मिले नहीं माइनशाफ्ट, तो बट डायमंड बहुत सारे मिल गए। अब देख सकते हो तुम लोग, इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बाकी देख लो तुम लोग भी कितने सारे डायमंड के ब्लॉक है, इनको सबको अभी तोड़ना हमें एंड फिर बनना हमें भी मुकेश अंबानी। हाँ तो देख सकते हो तुम लोग, हमें 42 से डायरेक्ट 64 एंड 20 मिले। एंड ये देख के मेरी हारी है हाथ में यार, तुम लोग देख सकते हो 64 एंड 20 डायमंड से हम पे, तो अभी बहुत सारे डायमंड है, अमीरी पूरी छा रही है शरीर पे, तो देख सकते हो तुम लोग। एंड बाकी इनके ब्लॉक बना के भी अपन अभी देखेंगे कितने होते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे इतना कह सकता हूँ, बट फिर भी यार डायमंड की पिकेक्स पे फॉर्च्यून होता तो और ज़्यादा मिलते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यार आयरन पे नहीं मिलते इतने जितने डायमंड पे फॉर्च्यून पे मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आयरन पे था, आयरन से ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी मैं फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ, कुछ चीज़ें बना लेते हैं अपन डायमंड की। सबसे पहले बनाएंगे ब्लॉक, क्योंकि थंबनेल बनाना है मुझे। अब भाई साहब देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर मैं एक बार वो क्राउन बनाने की कोशिश कर रहा था, बट इतने ब्लॉक है नहीं अपने पे, तो क्राउन तो बन नहीं पाएगा। बाकी देख लो तुम लोग। हाँ तो देखो, मैंने ये कुछ बना दिया है डायमंड का, ताकि थंबनेल के लिए अच्छा दिखना चाहिए यार, और कुछ नहीं, थंबनेल में अच्छा दिखेगा ना, कतई व्यूस व्यूस आएंगे, पैसा आएगा, हाय हाय। हाँ तो यार देखो, इसके बाद में तुम लोग देख सकते हो क्राउन पे मैं खड़ा हूँ, कैसा लग रहा हूँ बता दो एक बार कमेंट करके यार, क्राउन पे कैसे लग रहे। बाकी तुम लोग सजेशन बताओ कौन सा फार्म बनाए आगे हम, क्योंकि यार मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे फार्म बना चुका, आगे पता नहीं मैं कौन सा बनाऊंगा, तो कमेंट करके तुम लोग बताना क्या बनाऊं मैं उसकी पूरी ट्राई करूंगा, क्योंकि उसकी चीज़ें होनी भी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में यार जाने वाला हूँ नेदर फोर्ट्रेस पे, क्योंकि यार वहाँ जाना है मुझे। अभी पोशन वगैरह के लिए ब्लेज रोड चाहिए मुझे, एंड उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक नेदर फोर्ट्रेस, जो कि मैं ढूंढने वाला हूँ, तो तुम लोग भी देखते जाओ बस। बाकी यार मैं थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ, आर्मर बना लेता हूँ, आर्मर पूरा बनाऊंगा, क्योंकि अमीरी बहुत है अपने पे, कोई दिक्कत नहीं है। पैंट्स बन गई है, हाँ बन गई है, जूते निकाल लेते हैं। एंड एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, पिकेक्स भी बनाएंगे, बट स्टिक्स ख़त्म होगी हमारे पास, डायमंड बहुत सारे, टेंशन मत लो। एंड बाकी यार थोड़ा ये आवाज़ में तुम्हें गड़बड़ लग सकती है, तो यार माफ़ कर देना, अभी थोड़ा ये हो गया, कोल्ड हो गया यार, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ तो देखो, हम लोग पिकेक्स बना चुके, एक शावल बना चुके हैं, एंड हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ बना चुके हैं यार, इसके बाद में डायमंड का कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। एंड अभी भी 55 डायमंड मेरे पे बचे हुए हैं, मतलब तुम लोग समझ सकते हो अमीरी तो टपक रही है पूरे शरीर से। बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ ये पहन के भी कि कैसा लग रहा है भाई। एंड बहुत जल्दी हम नेदरराइट भी लेने वाले हैं, क्योंकि अपने पे वुल्फ फार्म है, बेड से इजीली अपन नेदरराइट ढूंढ पाएंगे, तो वो भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तुम लोग बस देखते जाओ यार, पूरी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी कभी सब्सक्राइब का बटन दबा के उसको बेल को ऑल पे कर दो यार। अब तुम लोग देख सकते हो, और मैंने तुम्हें डायमंड पे भी दिखा दिया, बाकी कुछ और एंचेंट कर लेते हैं इस वीडियो में। एंड देख सकते हो तुम लोग, फॉर्च्यून 3 मिल रही है अब पिकेक्स पे, तो ले लेते यार, क्या दिक्कत है, 30 लेवल भी है अपने पे। एंड भाई साहब जल्दी से ले, अरे भाई क्या फेंक दिया भाई, क्या कर रहा है। हाँ तो यार देख लो, हम फॉर्च्यून ले लेते यार, कुछ मिला नहीं कसम से यार, बुरा लगता है भाई, कुछ तो दे देते साथ में। अब यार देखो शावल पे क्या मिल रहा है देख लेते हैं, इस पर तो कुछ खास था नहीं। स्वॉर्ड पेन इस पर सेल टच मिल रहा है, जो कि मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि यार सेल टच होना चाहिए शावल पे।
बिकॉज ग्रास ब्लॉक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड बाकी ये शार्पनेस 3 मैंने चेंट की थी यार, वो देख सकते हो तुम लोग। एंड कुछ इनको डिसेंचेंट करके मैं लेवल निकाल लेता हूँ। एंड फिर से अपना लेवल 30 हो चुका है, तो कुछ देख लेते। देख लो तुम लोग इन हेलमेट वगैरह में क्या एन्चेंटमेंट मिल रही है, तुम लोग देख लो यार। बाकी 30 तो नहीं हुआ अभी यार, मुझे लगा 30 हो गया है बट हुआ नहीं अभी 30, कोई दिक्कत नहीं यार। अब देखो यहाँ पर एक फार्म में एक दिक्कत आ रही है यार, मैंने मुर्गियाँ बहुत कम डाली है जिसकी वजह से अंडे बहुत जल्दी आ नहीं रहे। तो कोई नहीं, आप थोड़ी ज़्यादा डालना यार, कोशिश करना 30 से 40 तो डालो ही डालो, तभी थोड़ा बहुत एफिशिएंट होगा, वरना फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। बाकी मैं सीट खिला के इनका काम कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सीट पड़े रहते हैं, मैं इनको सीट खिला देता हूँ, इनका काम हो जाता है मेरा। तो यहाँ के लोंडे बोल, अरे काय के खतरनाक, एक एक को भाग दूँ, चीर दूँ, अपनी बात को ला दूँ मैं। Why are you running? Why are you running? जा पूछ क्या। हाँ तो और पता नहीं ये कहाँ से घुस गया था स्टोरेज के अंदर, बट कोई बात नहीं, हम इसे निपटा देंगे, हमें भी स्किल्स आती है, हम नूब नहीं है। देखते जाओ तुम लोग, बस ये तुम्हें डैमेज दो पीछे आओ, डैमेज दो पीछे आओ, ये चीज़ कर लिए तुम्हें इसके अंदर। पबजी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी करना है तुम्हें ये। एंड ईजी मार दोगे। बाकी यार मेरे पास कोल के 3 स्टैक थे, तो उसको मैंने फॉर्चून 3 से माइन किया डायमंड के। देख सकते हो तुम लोग 45 ब्लॉक ऑफ कोल आए हैं, 6 स्टैक थे कोल मेरे पास, जिससे 45 ब्लॉक आ गए। एंड सेल्टस ले लिए मैंने पिकेक्स में, बिकॉज यार मेरे को जो भी ओर्स वगैरह लाने होते हैं मैं फॉर्चून साथ में नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज यार खतरा होता है वो पिकेक्स खोने का। फिर यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना। अरे यार हाँ तो यार वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिले। मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर।